गरीब साध साध सब नेक हैं, आप अपनी ठोरी जो सतलोक ले जाएंगे वो साधु कोई और। तो उस समय 600 वर्ष पहले परमात्मा ने कही थी क्या होगा कि वर्मा पंथ जो कबीर पंथ होगा उसमें मेरे महिमा की वाणी फिर प्रकट होगी, मेरा सच्चा ज्ञान फिर प्रकट होगा वर्मा पंथ के प्रवर्तक के द्वारा। लेकिन उस वर्मा पंथ के अनुयायी भी उस मार्ग को समझ नहीं सकेंगे, क्योंकि परमात्मा ने कहा था धर्मदास तो लाख दुहाई, ये मूल ज्ञान की तबार ना जाई, मूल ज्ञान बार जो पढ़ी बिचली पीढ़ी हंस नहीं तरही। इसलिए गरीबदास साहिब जी ने भी बोल बोल के लिखवा दी, उसका निर्णय नहीं दिया किसी को। इसलिए कहा कि ये सब पढ़ेंगे गरीबदास वाले पंथ के भी लोग, लेकिन वो समझ नहीं सकेंगे, असंग जन्म सतलोक नहीं जा सकते, उनमें अभिमान हो जाएगा कि हम गरीबदास अनुयायी हैं, हमारे वो ग्रंथ हमने अच्छी तरह आता है, उनको कक्का नहीं पता ये दास उसमें रह क्या है। अब ये प्रमाण भी कबीर सागर से देंगे आपको, ये कबीर सागर है जो अभी आपको दिखाया था, और कैमरा श्री कृष्ण दास प्रकाशन बंबई से, मुद्रक एवं प्रकाशक हैं कैमरा श्री कृष्ण दास, अध्यक्ष श्री वेंकटेश्वर प्रेस कैमरा श्री कृष्ण दास मार्ग बंबई से, ज्ञान सागर। इसका अनुवादक भी कबीर पंथी है, इसका जो संशोधक है कबीर पंथी भारत पथिक युगलानंद बिहारी बिहारी द्वारा परीक्षित, मुद्रक एवं प्रकाशक हैं खेमरा श्री कृष्ण दास जी, आपको लिखाई दिया। ये कबीर वाणी है और प्रश्न नंबर ये 136 पे क्या बताया है, द्वादश पंथ चलो सो भेद, 12 पंथ जैसे चले कबीर परमात्मा ने 600 वर्ष पहले बताया कि 12 पंथ ऐसे होंगे, वो प्रथम द्वादश पंथ काल फुरमाना और भूले जीव न जावे ठिकाना, इन 12 पंथों में ये प्राणी कोई भी पार नहीं हो पाएगा। अब क्या बताया है कि द्वादश पंथ काल फुरमाना, इन 12 पंथों में काल का ही संदेश रहेगा, और भूले जीव न जाए ठिकाना ताते आगम कह हम बाखा, यह लिखना था प्रथम वंश चूड़ामणि शाखा, लेकिन यहाँ इन्होंने कबीर पंथियों ने गड़बड़ कर दी कि चूड़ामणि जी को काल का पंथ नहीं बताना चाहते थे, लेकिन सच्चाई नहीं छुपती। प्रथम जग में जागो बरमावे और बिना भेद वो ग्रंथ चुरावे, दूसर सुरत गोपाल होई मूल निरंजन, फिर पंथ टकसार पंथ, फिर सतनामी पंथ, ये जीवा पंथ सतनामी पंथ राम कबीर पंथ। अब यहाँ इन्होंने क्लियर लिखा है कबीर कबीर चरित्र बोध में, ये है बोध सागर में कबीर चरित्र बोध, और यहाँ से शुरू किया है ये 1870 पृष्ठ पर, ये 1870 है, ये ब्रैकेट वाले पृष्ठ हैं, और बोध सागर यहाँ लिखा है कि कबीर साहब के पंथों का वृत्तांत, नारायण दास जी का पंथ, ये नारायण दास जी कबीर पंथ में नहीं थे, ये तो श्री कृष्ण पंथ में था, यहाँ था चूड़ामणि का पंथ, इन्होंने जान के काट दिया, यागो दास जी का पंथ, यागो जागो को है यागो पंथ, और तीसरा सूरत गोपाल, चौथा मूल निरंजन, पांचवा टकसार पंथ, फिर भगवान दास पंथ, सतनामी पंथ, कमालीय पंथ, राम कबीर पंथ, बर्मा है गरीबदास पंथ, ये छुड़ाने वाले जो हुए हैं गरीबदास जी वो बर्मा पंथ में। अब फिर हम यहाँ आते हैं, हम फिर आते हैं कबीर वाणी के 136 पृष्ठ पे कबीर सागर में, अब फिर देखते हैं द्वादश पंथ चलो सो भेद, हम यहाँ तक आ जाते हैं कि प्रथम जागू का, दूसरा सुरत गोपाल, तीसरा मूल निरंजन है ये चौथा, और पांचवा टकसार पंथ, धीरे हम यहाँ आते हैं, फिर जैसे सतनामी पंथ, राम कबीर पंथ, फिर ज्ञानी पंथ, और फिर दसवां युगर मावा से परम धाम की वाणी पंथ। अब ये है बर्मा।
संवत 1775 हुई, ये 1774 है, क्योंकि संवत 1774 सन 1717 में गरीबदास जी का जन्म हुआ था। ये तो पारमा पंथ था, ये गरीबदास वाला पंथ। और संवत 1774 समझो, 74 हुई, इसमें लिखा 75 है। तादिन प्रेम प्रगटे जग सोई, आज्ञा रहे ब्रह्म बोध लावे, कोली चमार सबके घर खावे, साख हमारी ले जीव समझावे, असंग जन्म ठोड़ नहीं पावे। गरीबदास जी की वाणी से ये समझावेंगे, असंग जन्म वो ठिकाना नहीं जा सकते। बर में पंथ प्रगट हुआ वाणी, बर में पंथ गरीबदास जी द्वारा मेरी महिमा की वाणी फिर प्रगट होएगी, जो कबीर सागर में त्रुटियां हो गई होंगी उनको पुनरावृत्ति कर देगी। बर में पंथ प्रगट हुआ वाणी, शब्द हमारे की निर्णय ठाणी। ये गरीबदास पंथ वाले हमारे इस वाणी का निर्णय तो करने की चेष्टा करेंगे, लेकिन अस्थिर घर का घर मरम नहीं पावें, और ये 12 पंथ हम ही को जावें, साख हमारी लिए जीव समझावें। ये गरीबदास पंथ वाले अन्य और कहते हैं असंख्य जन्म वह ठोड़ नहीं पावें, असंख्य जन्म नहीं जा सकते गरीबदास पंथ वाले, और दो नकली कबीर पंथी जो और हैं वह भी। फिर कहते हैं बार में पंथ हम ही चल आवें, वो बार में पंथ में आगे चल के जो वाणी प्रकट होने के बाद, और सब पंथ मेट एक ही पंथ चलावें। अब दास को भेज दिया, दास इस गरीबदास पंथ से संबंधित है, और बार में पंथ वो खुद नहीं आए, परमात्मा दास को भेज दिया और वही पावर दे दी, अपने काम तो वही कर रहे हैं मालिक की। बार में पंथ में हम आएंगे, फिर ये नसब न देखेंगे, सबको एक पंथ बना देंगे, सारा सब ज्ञान के आधार से समझ जाएंगे। तब लग बोधो कुरी चमारा, फिर तुम बोधो राज दरबारा, प्रथम चरण कलयुग निराणा, तब मघर मांडो मैदाना। कहता है कलयुग का प्रथम चरण वो होगा, मैं मघर से सह शरीर जाऊंगा, मघर से प्रथम चरण कलयुग का। तीन चरण बताएं कलयुग के, ये बिचला चरण अब चल रहा है, ये प्रथम चरण कलयुग निराणा, और तब मगर मांडो मैदाना। धर्मराय से मांडो बाजी, तब धर बोधो पंडित काजी। अब यहां जाता है 5505, तब ये शब्द होगा साचा। 5505 जब वर्ष ले जाएंगे कलियों के, तब ये साचा होगा। सन 2006 में समझ लो ये साचा हो गया, और आज ये 2011 चल रहा था। अब इसका कारण क्या था कि कलियों के जब 5505 वर्ष लगभग बीत जाएंगे, उस समय यो मेरी आज की बोली हुई वाणी, 1798 से 1518 के बीच में जो वाणी बोली है परमात्मा ने, वचन कहे हैं कि ये उस समय सच्ची होंगी, आज ना दच्चा किससे कहे, आज किसी को विश्वास नहीं होगा इसका, उस समय ये सच्ची होगी ये बात जो मैं आज बोल रहा हूँ। और तब तक कहा धर्मदास तो लाख दुहाई, ये मूल ज्ञान कहीं बार ना जाई। ये देखिएगा आगे इसी में, धर्मदास मोरी लाख दुहाई, 5505 तब ये शब्द होगा साचा, इस इतने समय कलियों के बीच जाएंगे तुम तो। धर्मदास मोरी लाख दुहाई, ये मूल शब्द बार जिन बाहर ना जाई, ये ना जाई गलत प्रण गलत हो रहा है। पवित्र ज्ञान तुम जग में बाखो, मूल ज्ञान गोई यानी गुप्त तुम रखो, मूल ज्ञान जो बार है पढ़ ही, बिजली पीढ़ी हंस वंश नीतर ही, 33 अरब ज्ञान हम भाखा, मूल ज्ञान गुप्त ही राख्या, गोए राख्या, गोए मन गुप्त। मूल ज्ञान तुम तब लग छुपाई, जब लग द्वादश पंथ मिटाई। अब यहाँ दिखाते हैं आपको 134 पृष्ठ पे, सारा निर्णय दे रखा परमात्मा ने कबीर वाणी 134 पृष्ठ पे। अब यहाँ बताए हैं 13 वंश, 12 तो ये थे काल के जाल में रह गए सारे। प्रथम वंश उत्तम, ये नारायण वो है चूड़ामणि जी, दूसरे ये जागू, और ये तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा। अब यहाँ आ जाते हैं कि बर में वंश बर्मा गरीबदास वाला ही, बर में वंश प्रगट हो उजियारा, यानी बर में पंथ में मेरी महिमा की वाणी से मेरा फिर से उजियारा सा होगा, क्लियर नहीं होगी उनसे। और कहते हैं तेर में वंश मिटे सकल अंधियारा, ओए होए
तेरवा वंश मेरा आवेगा दास, कहते सब अज्ञान हटाया जाएगा, उसमें सब मिटे सकल अंधियारा, और एती दगा काल समाई और तत्बिंदु की टेक रह जाई। काल इतनी दगा करेगा फिर भी हमारे तत्व ज्ञान की टेक रह जाएगी, यानी उस समय तक इसको छुपा के रखना है। जो तेरवा वंश इस दास की तरफ संकेत है, अंडरस्टूड है, तेरवा वंश मिटे सकल अंधियारा, अब सब झंझट ये सब अज्ञान हट जाएगा। नोमन सूत उरजिया ऋषि रहे जख मारे, सतगुरु ऐसा सुलझा दे उलझन दूजी बार। आप सुन रहे थे जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।